और हेलो गाइस, वेलकम टू द वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं ईआर रजनीश कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, अब मैं आप लोगों को क्रेस कोर्स कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का, यानी 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। अभी मेरे ख्याल 15 या 16 तारीख से एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि उस एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए एक क्रेस कोर्स लेके आऊँ। और उस क्रेस कोर्स में दोस्तों मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, या वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो दोस्तों, यानी कल से ही, यानी दोस्तों मैं 3 तारीख से ही आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, 3/2/2020, यानी कल से ही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैथ का फुल क्रेस कोर्स। इस मैथ के पूरे कोर्स में दोस्तों आप लोगों को मैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे क्वेश्चन जो बार बार बिहार बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, कोई सी भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आज सीबीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड ले लिए, जो भी जहाँ भी एनसीईआरटी जहाँ पे फॉलो होती है, यानी एनसीईआरटी जिस बुक से पढ़ाई होती है, जिससे एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है दोस्तों, मैं उसी बुक को फॉलो करूंगा, उसी बुक से दोस्तों मैं आप लोगों के सामने क्रेश कोर्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो उस क्रेश कोर्स में दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कल से तैयार रहिएगा एकदम, कल से दोस्तों मैं अपनी इस चैनल पे क्रेश कोर्स लेके आ रहा हूं 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का मैं क्रेश कोर्स लेके आऊंगा। 10th क्लास का क्रेश कोर्स में दोस्तों मैं मैथ की पूरी ऐसी वीडियो बना दूंगा, पूरी मैं मैथ की ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा क्रेश कोर्स। और उस मैथ में दोस्तों आप लोगों को 80+ नंबर तो जरूर ही जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं उसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर दोस्तों मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों को अगर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, अगर 5 नंबर वाले अच्छे से कवर हो गए, अगर अच्छे से आप लोग उसे समझ गए और कर लेंगे, तो उससे आप लोगों का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसे तो आप लोग एकदम आराम से कर जाओगे, मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों अगर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपसे हो जाते हैं, तो आप लोग इजी, एकदम इजी से है आप लोग जो एक नंबर वाले जो आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो तो आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 50 नंबर का आएगा, और 2 नंबर, 3 नंबर और जो 5 नंबर के होंगे, वो मेरे पास 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ऐसा करूंगा कि दोस्तों आप लोग को पहले ये 2-3 नंबर हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब मेरे पास मुश्किल से 10 से 10 दिन ही बचे हैं, क्योंकि दोस्तों कल से ही स्टार्ट होने जा रहा है हम लोगों का जो 12th वाला एग्जाम है, यानी बिहार बोर्ड का जो 12th वाला एग्जाम देने वाले हैं, उनका कल ही से पेपर है। दोस्तों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे मेरे साथ 12th वाले जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से रिजल्ट लेके आइए, ठीक है दोस्तों। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10th का क्रेश कोर्स कराऊंगा, अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा क्रेश कोर्स हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, अगर 10 दिन के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को 1 नंबर वाले भी कोशिश करूंगा कि उसे भी प्रोवाइड किया जाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एकदम पक्का से पक्का। जितने आप लोग बोलिएगा, मैं उतने क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, या तो वो 2 नंबर वाले हों, या 3 नंबर वाले हों, या 5 नंबर वाले हों, या तो वो आप लोग का 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कल से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से ही दोस्तों आप इस चैनल पे आ रहा है क्रेश कोर्स मैथ का। पूरा मैथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, 10th क्लास का पूरा मैथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है और कैसे आप लोगों को उनको सॉल्व करना है। और दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता भी है कि 50 नंबर का जो 2 नंबर, 3 नंबर वाले हैं क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोगों को 50 नंबर आना है, लाना है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप लोग जिन बच्चों ने
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप तक जाती रहे। अगर आप लोगों को नहीं होता है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारें इंजीनियर रजनीश कुमार सिंह के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोग तक पहुँचती है और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कल से ही आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ फुल क्रेज कोर्स एकदम 10th का एकदम जो लेवल रहेगा दोस्तों एकदम बेसिक, यानी जो 1.1 से लेके जितने भी 16 चैप्टर हैं मेरे पास, 1 से लेके 16 तक जितने भी चैप्टर हैं और जिस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट बनता है उसको मैं आप लोगों को कराऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को इम्पोर्टेंट में कहने का मतलब क्या है कि उससे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड में आता है और उस बोर्ड में दोस्तों जो भी होगा मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बार बार रिपीट हो चुके हैं या बार बार जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कल से रेडी हो जाइएगा क्योंकि कल से ही दोस्तों मेरी पहली एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में हो सके तो मैं 1.1 से लेके आपको 5 चैप्टर तक के एक ही साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ताकि मेरे पास तो 10 दिन का टाइम है, अगर ये 16 चैप्टर हो जाते हैं जो भी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक एक नंबर वाले भी आप लोगों को कराऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो मेरे डिविजर ट्यूटोरियल क्लासेस है ये दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है और ऑफलाइन में दोस्तों हम लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं और 5 साल से 10th का जो है हम लोग बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हर एक बार दोस्तों हम लोग का 100% रिजल्ट आता है, चाहे वो बच्चे 15 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो, 30 क्यों ना हो, और जो भी रिजल्ट आता है दोस्तों हम लोगों का एकदम 100% रिजल्ट आता है। तो आप लोगों को मैं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो बच्चे ऑनलाइन आना चाहते हैं या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक आप लोग को इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों सही में आप लोग को लगता है कि इस क्रेज कोर्स से आप लोगों को फायदा होगा तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जो बच्चे 10th क्लास में इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन तक भी इन सारे वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इन सारे वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल, और कल दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि 1 से लेकर 5 तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को करा दूं, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सही से पढ़िए और जो बच्चे 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं कल उनके लिए एकदम मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।